सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.3। और यहाँ पर हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसके रूट्स निकालने हैं, और रूट्स निकालना है कौन सी मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या है, 5x² + 4x + 7, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करूँ, ये 4x को इधर ले लूँ, क्या कर दो लेफ्ट साइड में। देखो मैं क्या करूँगा, 5x² 4x को ले लूँगा माइनस इधर साइड, तो हो जाएगा -4x। 7 वो ही साइड रखो तो अच्छा है, क्योंकि लास्ट में बाद में मुझे क्या करता है, मुझे क्या करना है, 7 को उधर ही लेके जाना है। तो मैं पहले से ही कांस्टेंट नंबर जो होगा उसको उधर ही रखूँगा, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर राइट साइड में, बाकी सब इधर आ गया। अब क्या करना है, अब ये करना है जो स्क्वायर वाला टर्म है, कौन सा है, x², उसका कोएफिशिएंट, उसके साथ जो नंबर है क्या है, 5। ये 5 को तीनों जगह डिवाइड कर दो, 5 से तीनों यहाँ पे टर्म्स को 5 से डिवाइड कर दो। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x², ठीक है। यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ बचेगा 4/5x, और यहाँ पर भी कैंसिल नहीं होगा तो ये बच रहा है 7/5। तो देखो यहाँ पर मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने का मकसद यही है कि x² को मेरे को खाली रखना है, ठीक है। अब अगला हमारा स्टेप क्या रहेगा, अगला स्टेप ये रहेगा कि x वाला टर्म देखना है। ये है x वाला टर्म, इसके साथ जो कोएफिशिएंट है क्या है, वो है 4/5, क्या है, 4/5। तो ये कोएफिशिएंट को, ये जो नंबर है इसको 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड बोले तो नीचे होता है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/10, मतलब जो भी नीचे नंबर रहेगा उसको डबल कर दो, 5 है तो 5 का डबल 10 कर दो, समझ में आया। तो ये हो गया 4/10, 2 से डिवाइड करने में। अब क्या करूँगे, x² - 4/5x, इसको ऐसे के वैसे लिखना, ठीक है। ये साइड 7/5 ऐसे का वैसे लिखना। अब क्या करना है, दोनों तरफ ये नंबर को प्लस करो, जैसे यहाँ प्लस कर दूंगा 4/10, और इसके ऊपर लगा दूंगा स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। लेकिन आप बोलोगे सर ये कहाँ से लेकर आ गए हो, ये क्यों लगा रहे हो, तो मैथ्स का रूल है अगर एक साइड आप कोई चीज़ लगा रहे हो तो दूसरी तरफ भी वही चीज़ सेम चीज़ करना पड़ता है, वरना मत करो। तो मैं दूसरी तरफ भी वही करके उसको बैलेंस कर दूंगा, उसको इंसाफ दिला दूंगा कि भाई तेरे को दिया इसको भी देना पड़ेगा, समझ में आया। दोनों तरफ दे देंगे, इसका मतलब कुछ लगाया ही नहीं हम लोग, क्योंकि दोनों कट होकर, सॉरी 5 लिख दिया, 4/10 आएगा, दोनों कट होकर क्या हो जाएंगे, 1 ही बचेगा, ठीक है, 0 ही बचेगा, सॉरी, ठीक है। अब ये हो गया आपका, अब क्या करना है, देखो ये पहला टर्म है उसको ले लो x, ये लास्ट वाला टर्म है लेफ्ट साइड की बात करो 4/10, उसको ले लो यहाँ पे, हाँ इन दोनों के बीच में क्या लिखना है, प्लस लगाना है माइनस लगाना है, वो यहाँ से पता चलेगा। x² के बाद क्या, कौन सी साइन है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा दो और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दो, ब्रैकेट लगा के क्या कर दो, स्क्वायर लगा दो, पहला वाला टर्म लो, लास्ट वाला टर्म लो, और ये यहाँ की साइन यहाँ लगा दो और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 7/5 + अभी देखो 4/10 को मैं कट कर सकता हूँ, 4 × 2 = 2, 5 = 2, तो ये हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर, ठीक है, 2/5 का स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर उसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो x - 4/10 तो वैसे के वैसे रहेगा स्क्वायर में, हाँ ये सॉल्व करेंगे, 7/5 + इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक है, यहाँ पर होगा 25। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x - 4/10, सबसे पहले राइट वाला चीज़ सब सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉर्ट आउट कर लो। अभी देखो ये 25 है, ये 5 है, मुझे दोनों डिनोमीटर सेम करना है, दोनों डिनोमीटर क्या करना है, सेम करना है। तो मैं क्या करूँगा, 5 को 25 की तरह बनाना चाहूँगा, तो 5 25 कब बनेगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आप फिर बोलेंगे सर फिर से तुमने बाहर से कोई एक टर्म लेकर आ गए, तो फिर इंसाफ करेंगे हम लोग मैथ्स के साथ, जब इसको 5 से करें तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे वाला वैसा का वैसा। तो ये हो जाएगा x - 4/10 द ब्रैकेट स्क्वायर, 7 5 = 35, नीचे आ रहा 5 5 = 25, और ये हो जाएगा 4/25। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, अगर आपको ऐसा नहीं समझ रहा तो बटरफ्लाई मेथड यूज़ करो, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 5 से करो, 25 को 5 से करो, इस तरह से भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, ठीक है। अभी क्या करूँगा मैं, अभी क्या करेंगे, ये देखो डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लूँगा,
35 प्लस 4 कितना हो जाएगा 39, ऊपर क्या हो जा रहा है 39, ठीक है। तो उधर वाला सॉल्व हो गया मेरा। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि ये जो स्क्वायर है इसको राइट साइड लेकर जाना है, इसको क्या करना है राइट साइड लेकर जाना है। तो जब स्क्वायर वो साइड जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट, क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। हाँ, अब स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 4 अपॉन 10, देखो 39 का स्क्वायर रूट तो मतलब आपका यहाँ पर होल नंबर में नहीं आएगा तो 39 ही रहने दो, और 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, और ये जो भी आएगा प्लस माइनस, क्योंकि रूट के बाद रूट सॉल्व करने पे रूट में जो भी आंसर आता है वो प्लस और माइनस दोनों होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं, उधर जगह नहीं है तो ये साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, ये साइड इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको दो भाग कर लेना है, एक्स माइनस 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू प्लस वाला ये ले लेते 39 अपॉन 5, और एक्स माइनस 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू माइनस 39 अपॉन 5, माइनस रूट 39 अपॉन 5, माइनस वाला ये साइड ले लेता हूँ, ठीक है। ये दो भाग हो गया। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये 4 को 2 कर दो, 2 वन ज़ा 2 फाइव ज़ा, यहाँ भी 4 को 2 वन ज़ा 2 फाइव ज़ा कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका x माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू रूट 39 अपॉन 5। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं एक एक स्टेप बढ़ा के बता रहा हूँ, x माइनस 2 अपॉन 5 माइनस रूट 39 अपॉन 5। अब क्या करूँगा, माइनस 2 बाय 2 अपॉन 5 दोनों तरफ का वो साइड लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू यहाँ पे रूट 39 अपॉन 5 है, ये माइनस 2 अपॉन 5 आएगा तो प्लस 2 अपॉन 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 5। यहाँ भी सेम चीज़ होगा, माइनस रूट 39 अपॉन 5 है, माइनस 2 अपॉन 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 5 5 दोनों जगह कॉमन है तो नीचे ले लेते कॉमन, 39 रूट में है प्लस 2, रूट 39 प्लस 2, इसको आप प्लस नहीं कर सकते, उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा क्योंकि एक रूट में है और एक विदाउट रूट है। तो ये आपका एक रूट आ गया, एक आपका रूट आ गया, और दूसरा रूट आएगा माइनस रूट 39 प्लस 2 डिवाइड बाय 5, 5 कॉमन ले लिया नीचे, ये तो ये दो रूट आपके यहाँ पे निकल गए।